नंदपाल इंसान, राकेश इंसान, सरसा से। पूज्यता जी, एक आप जी से रिक्वेस्ट है कि आप जी के काम करने की जो स्पीड है उस हिसाब से लगता है कि आप जी चलती गाड़ी में भी काम करते होंगे, परंतु पिताजी आप जी हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए चलती गाड़ी में निगाह पर असर ज़्यादा पड़ता है जी। आप जी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा करें प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चलती गाड़ी पे निगाह वाला काम नहीं करते, पर वैसे जैसे बेटी होती है तो उसको लिखवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कोई आइडियाज आ जाते हैं तो वो लिखती रहती है, फोन पे नोट बना रखा है। पहले बड़ा मुश्किल होता था किसको लिखवाएं क्योंकि कहीं देते ही नहीं थे, लेकिन अब ये है कि वो बच्ची है तो उसको लिखवा देते हैं और वो हमेशा याद रखती है कि पापा ये आपने कहा था, ऐसे करना था। तो इस तरह काम तो करने से बाज नहीं हम आते, सब ये मशहूर है, बच्चों से पूछ के देखो, हमें चैन ही नहीं आता। अगर खाली होते तो ऐसे दो घंटे पे, ओ कुछ नहीं किया, वो कहते पापा क्यों नहीं किया, इतना कुछ तो कर चुके हो, अच्छा याद ही नहीं रहा। तो मतलब हमें दो घंटे भी ऐसा होता है कि खाली क्यों गए, नहीं जाने चाहिए, तो सतगुरु के लेखे ही लगना चाहिए हर पल, तो लगे रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कुछ टाइम, कई बार लोगों को होता कि पिताजी आज आए नहीं, मजलिस नहीं हुई, ये है, ये नहीं पता होता कि हम सुबह से जुटे होते हैं और शाम की रात हो जाती है, उसी काम में लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। हमें खाली रहने की आदत ही नहीं बचपन से, जन्म से ही शायद, तो इसलिए हमें अच्छा ही नहीं लगता खाली रहना। ज़्यादा देर लेट भी जाएं तो बैक पेन होने लग जाती है, वो खड़ा होना पड़ता है। ये राम की कृपा है, हम तो कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया, सब पे होनी चाहिए ताकि कम से कम काम तो करें सारे। कहीं तो अठाई अठाई घंटे भी सोते रहते हैं, अठारह अठारह घंटे भी सो लेते हैं, कमाल के बंदे हैं भाई। तो अच्छी बात है, काम करना अच्छी चीज़ है।